हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, एड्रेस प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको आपके आधार का एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, uidai.gov.in, और इसके होम पेज पर ही आपको सेकेंड रो में ये ऑप्शन मिलेगा, अपडेट यूर एड्रेस ऑनलाइन। यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू, मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, यहाँ पे उन्होंने एक वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ये भी लिखा हुआ है, तो इस लिस्ट में से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप ये पहले वाला ऑप्शन चूज कीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है और कम टाइम में ये काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप ये सेकेंड वाला स्टेप चूज कीजिए। तो ये जो सेकंड स्टेप दिया गया है, इसमें क्या होता है, मान के चलिए आप कोई नए सिटी में शिफ्ट हुए हो और वहाँ पे कोई आपके रिलेटिव्स रहते हैं और उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस अभी आपको आपके आधार कार्ड पे अपडेट करना है। तो इस सिचुएशन में आपको उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी कि मैं आपका एड्रेस यूज़ कर सकता हूँ क्या। जब वो कंसेंट देंगे तब आपको ये प्रोसेस यूज़ करना है। इसमें क्या होता है, आप दोनों के आधार नंबर इसमें ऐड करोगे, आपके भी और जिनका एड्रेस आप यूज़ करना चाहते हो उनका भी। तो एक लिंक उनके मोबाइल पे चला जाएगा और वहाँ से वो कंसेंट देंगे कि आप, हाँ ठीक है कि आप उनका एड्रेस यूज़ कर सकते हो, ओके। और एक फिज़िकल लेटर भी जाएगा उनके घर पे उस एड्रेस पे, और फिर उसके अंदर जो एक सीक्रेट कोड होता है वो जब आप एंटर करोगे तो आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो चलिए ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड ऐड करना है। ये OTP ऐड कीजिए, सॉरी ये कैप्चा कोड ऐड कीजिए। और सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको आपका OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, जिसका एड्रेस आप यूज़ करना चाहते हो उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो इस पेज पे आपको उनका आधार नंबर यूज़ करना है, ऐड करना है जिनका एड्रेस आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे ही आप यहाँ पे उनका आधार नंबर ऐड करके सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो उनको एक SMS चला जाएगा और उसमें अब उनका एड्रेस यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट रहेगा। तो ये देखिए, चेक द स्टेटस ऑफ योर आधार एप्लीकेशन, चेक स्टेटस। तो पहले तो अभी जिनका एड्रेस हमें यूज़ करना है उनके मोबाइल पे एक SMS भेजा गया है, तो वो हम चेक करते हैं। तो जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो जिनका आधार हमने यूज़ किया था उनको ये मैसेज मिला है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पर्सन वांट्स टू यूज़ योर आधार एड्रेस, काइंडली क्लिक ऑन दिस लिंक एंड सबमिट OTP जनरेटेड टू प्रोवाइड योर कंसेंट। तो जैसे ही उन्होंने इस लिंक पे क्लिक किया उनको ये पेज ओपन हुआ, और जैसे ही वो क्लिक किया उन्होंने तो उनको एक OTP भी आया उनके फ़ोन पे। तो वो OTP अभी हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज आया है
यू हैव सक्सेसफुली गिवन योर कंसेंट फॉर यूजिंग योर आधार एड्रेस। ओके, मतलब जिनका एड्रेस हमें यूज़ करना है, जिनका एड्रेस हमारे आधार पे हमें अपडेट कराना है, उनको एक मैसेज गया, वहाँ पे एक लिंक था। लिंक पे क्लिक करने के बाद उनको एक ओटीपी आया, और जब उन्होंने वो ओटीपी एंटर किया तो उनका परमिशन मिल गया। तो अभी इसके बाद की क्या प्रोसेस है हम चेक करते हैं। तो जैसे ही एड्रेस वेरीफायर ने इस लिंक पे जाके मुझे परमिशन दे दी उनका एड्रेस यूज़ करने की, तो इमिजिएटली मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया। वो मैसेज ये था, डियर विक्रम, द पर्सन हैज़ अप्रूव्ड योर एड्रेस रिक्वेस्ट, योर SRN नंबर इज़। तो एक उन्होंने मुझे SRN नंबर भेजा है SMS के साथ, और जैसे मैं और एक लिंक भेजी, और जैसे मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरा ये पेज खुल गया है, देखिए। और यहाँ पे बोला गया है कि मुझे वो SRN नंबर इसमें ऐड करना है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये है SRN नंबर। और फिर से यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो एक OTP मेरे फोन पे आया है, और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो OTP एंटर करने के बाद ये पेज आया है। यहाँ पे बोला गया है कि ये एड्रेस आप केयरफुली चेक करो, और अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अभी कर सकते हो। तो हम चेक करते हैं, एडिट इन लोकल लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज नहीं हो सकता उसका, बस जो कन्वर्ट हुआ है मराठी में उतना आप चेंज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करते अभी फिलहाल, सेव है। आई हियर बाय टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें मैसेज आया है, योर एड्रेस वैलिडेशन लेटर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल रिसीव द लेटर वाया पोस्ट, प्लीज लॉग इन using the secret code in the letter to complete your address update request। मतलब यहाँ तक हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई है। आपने जिसका एड्रेस यूज़ करना है उनसे आपने परमिशन ले ली है, और आपने आपका एड्रेस अपडेट किया है यहाँ तक। अब इसके बाद एक लेटर उस एड्रेस पे आ जाएगा जो एड्रेस आपने दिया हुआ है, और उसके अंदर एक सीक्रेट कोड होगा, उसके थ्रू आप अपना फाइनल स्टेप कंप्लीट कर सकते हो और आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। अगर आपको प्रोसेस का अपडेट क्या है वो चेक करना है तो आप वो चेक कर सकते हो। फिर से आप uidi.gov.in पे जाइए और अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। फिर एकदम स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे सबसे एंड वाला ऑप्शन दिखेगा, चेक स्टेटस। मेरे ख्याल से फिर से एंटर, यहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन ना हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर ऐड करना है। और URN और SRN, SRN नंबर जो आपको URN नंबर के बारे में मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, बट SRN नंबर मुझे लास्ट SMS में रिसीव हुआ था, तो वो नंबर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। वो ये वाला नंबर है, double 4 double 1 5 1।
यहाँ पे आपको आपका स्टेटस दिखेगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेटेड, योर SRN इज जनरेटेड, इंट्रोड्यूसर वेरिफिकेशन लिंक इज सेंड टू इंट्रोड्यूसर वाया SMS। मतलब ये क्या क्या प्रोसेस स्टेप हुए वो बता रहे हैं। एड्रेस वेरीफाइड अप्रूव्ड, योर इंट्रोड्यूसर हैज़ प्रोवाइडेड कंसेंट, जो उन्होंने फ़ोन पे उनको जो SMS गया था उसके थ्रू उन्होंने, और जो लिंक गई थी उसके थ्रू उन्होंने कंसेंट दी थी। एड्रेस वेरीफाइड बाय रेसिडेंट, इसका क्या स्टेटस है। यू हैव वेरीफाइड एड्रेस ऑफ योर इंट्रोड्यूसर, एड्रेस वैलिडेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड। तो यहाँ पे तो हमें बस यहाँ ये यह दिख रहा है कि ये तीन स्टेजेस हमने कंप्लीट की है और उनका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। बस अभी हमको वो जो लेटर आएगा, फिजिकल कॉपी आएगी, उसके बाद वो सीक्रेट कोड के जरिए हम अपना फाइनल स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको आपका एड्रेस चेंज करना है तो आप ये प्रोसेस स्टेप्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।